हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको शिप पे हम लोग किस तरीके से खाना खाते हैं, क्या खाते हैं और क्या हमारे खाने पीने का सिस्टम होता है वो सब बताऊंगा। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते रहते हैं कि आप लोग लॉन्ग सेलिंग में रहते हो। जैसे कि मैं उनको बताता हूँ, एक एक महीने तक हम लोग सी में ही रहते हैं, कोई पोर्ट रोटेशन नहीं होता है। तो उस टाइम पे उन लोगों के लिए सरप्राइज़ है ना कि हम लोग एक महीने तक खाना कहाँ रखते हैं। सो आज मैं आपको जितने बड़े बड़े हमारे शिप पे फ्रिज हैं वो सब दिखाता हूँ, किस तरीके से क्या टेम्परेचर सेट करना होता है और हम लोग अपना खाना पीना किस तरीके से करते हैं, सारा मैं आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। हम लोग शिप पे गैली बोलते हैं, आप लोग किचन बोल सकते हैं। सो पूरा होल प्रोसेस ये सब जानने के लिए एंड तक वीडियो को देखिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज अबाउट मर्चेंट नेवी। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं रैंक्स एंड सैलरी वाली वीडियो, उसमें बताया कि गैली में दो बंदे काम करते हैं, एक होता है चीफ कुक और एक होता है मेसमैन। चीफ कुक जो खाना बनाते हैं एंड मेसमैन जो खाना सर्व करने में हेल्प करते हैं एंड बनाने में हेल्प करते हैं। सो ऑफिसर साइड में एक मेस रूम होता है, क्रू साइड में एक मेस रूम होता है, क्रू में जो जूनियर लेवल के बंदे काम करते हैं। सो द होल प्रोसेस कम विद मी, आज मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स एंटर टू द गैली। आज आप देख सकते हैं मेरे शिप पे इंडियन चीफ कुक है एंड आज यहाँ पर बन रही हैं पूरियां। ये आप पूरा सिस्टम देख सकते हैं, ये हॉट प्लेट होती है, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट जिसपे खाना बनाया जाता है। हमारे चीफ कुक बहुत ही शानदार अच्छा खाना बनाते हैं, हर टाइप का खाना मिलता है हमें। रात को रोटियां मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंडियंस हैं। ये आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा था वही रखा हुआ है एंड लंच में हमेशा राइस रहते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये आटा गूंदने की मशीन है, ये हॉट प्लेट है रोटियां सेकने के लिए, पूरी के साथ भाजी आज बनाई हुई है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग खाना बनता है। जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं, आप चीफ कुक से कह के बनवा सकते हैं। चीफ कुक बोल रहे हैं कि चिकन भी दिखाइए, इवनिंग में चिकन मटन रहता है एंड डे टाइम में फिश राइस दाल छोले राजमा लाइक दिस। तो लंच में आपको हमेशा राइस मिलेंगे, संडे को बिरयानी, रेस्ट ऑल इवनिंग में चपाती एंड जिसको राइस लेने वो राइस ले सकता है। तो ये नॉर्मल रूटीन होता है। हम लोग कहाँ बैठ के खाना खाते हैं भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट स्टार्ट विद क्रू मेस रूम। यहाँ पे ऐसे क्रू बैठ के खाना खाता है। क्रू को अपना खाना वहां से गैली से लेके आना पड़ता है एंड देन दे कैन हैव इट एट दिस प्लेस। वॉश बेसिन सब एकदम पैटर्न, एक फोन दिया हुआ है। यहाँ पर कंपनी की पॉलिसीज लगी रहती हैं, फ्री टाइम में पब्लिक पढ़ सकती है। सर्कुलर्स जो आते हैं सेफ्टी सर्कुलर्स सब यहाँ पे पोस्टेड रहते हैं। तो दिस इज द एरिया जहां पर पब्लिक खाना खाती है। गैली और मैसरूम के बीच में है पेंट्री जहां पर अपने बर्तन धो सकते हैं। यहां पर एक कॉमन फ्रिज दिया होता है, ओवन है, खाना गर्म करके खा सकते हैं। ऐसी टाइप से दो फ्रिज हैं गैली के अंदर एंड बाकी सब चीजें सेम। ऐसी ही ऑफिसर पेंट्री है, ऑफिसर पेंट्री में भी सेम चीजें दी हुई है। एक फ्रिज है, कैटल है पानी गर्म करने के लिए, ओवन है एंड दिस इज आवर एरिया जहाँ पर ऑफिसर्स खाना खाते हैं। ये अभी आप लंच देख रहे हैं, फ्रूट सैलेड राइस दाल नॉर्मल चीजें एंड देन आई थिंक ये फिश है या जो भी है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ मुझे पता नहीं है क्या बना है। तो एक वेजिटेबल होता है, दाल होते हैं। तो ये लंच में मोस्टली मिलता है राइस। लेफ्ट साइड में जूनियर ऑफिसर्स खाना लेते हैं एंड देन राइट साइड में टॉप फोर खाना खाते हैं, लाइक मास्टर, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, ये टॉप फोर में आते हैं और ये लोग सेपरेट अपना खाना खाते हैं इधर बैठ के। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख चुके हैं मेस रूम जहाँ बैठ के खाना खाते हैं वो किस तरीके का है। क्रू ऑफिसर में दोनों टाइप का मैंने आपको दिखा दिया है, गैली अपनी दिखा दी है, किस तरीके से खाना बनता है, हॉट प्लेट क्या होती है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोविजन जो खाना होता है जो हम लोग खरीदते हैं पर मंथ,
वो हम लोग रखते कहाँ पर है, कहाँ रखते हैं और कितने बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर पूरा जो एक रूम जितने साइज का होता है एक फ्रिज, तो उसका टेम्परेचर सेट किया जाता है, तो वही सब मैं आपको अभी दिखा। ये खराब नहीं होता है, इसको टेम्परेचर से मेंटेन करके रखा जाता है, ये कभी खराब नहीं होती। लाइक हम लोग फ्रेश वेजिटेबल 15-20 दिन तक तो चला ही लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को अगर रिक्वायरमेंट होती है तो किसी पॉट में हम लोग खरीद लेते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, अगर खत्म हो जाती है तो। नॉर्मली हम लोग एक महीने के लिए खाना खरीदते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हम लोग बीचों भी खरीद सकते हैं। मीट रूम, यहाँ पे मीट रखा हुआ है, इसको आई थिंक ज्यादा और ज्यादा कोल्ड प्लेस में रखा जाता है, तो इनके सबके टेम्परेचर मैंने आपको बाहर दिखाए थे, ये सब मेंटेन रहते हैं। दूर से ही आप देख लीजिए, मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं ज़्यादा अंदर गया नहीं। फिश रूम में ये सब बॉक्सेस के अंदर सारी फिश रखी हुई हैं, थोड़ा एक छोटा रूम है ये फिश के लिए, ज़्यादा फिश का वो रहता नहीं है, तो एक छोटा रूम उसको दिया हुआ है। सब बॉक्सेस में पैक है फिश, इनको चीफ कुक सुबह ही निकाल लेता है एंड देन लंच में इसको बनाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अबाउट मच नेवी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।